So, hello students, here I would like to explain two terms. I have written here charge against profit and appropriation of profit. Whenever you will attend questions, you will get these two terms very frequently. ठीक है, तो we will understand these two terms. First is charge against profit. Charge against profit का मतलब होता है ऐसे expenses होते हैं जिनका payment आपको करना ही करना है. Whether the firm is incurring loss or profit, कोई भी एक firm है कुछ expenses का वो payment तभी करती है जब उनको profit होता है. But कुछ expenses ऐसे होते हैं उनका आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा. अगर आपको लॉस भी हो रहा है तो भी आपको उनका पेमेंट करना पड़ेगा. जैसे आप लोग 11th क्लास में पढ़े थे डेप्रिसिएशन, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट. उनका पेमेंट आपको करना ही पड़ता है. अगर फर्म लॉस भी इनकर कर रही है तो भी आपको करना पड़ेगा. इन द सेम वे यहाँ पे आपको ऐसा एक आइटम मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन आपको मैंने पिछले वीडियो में ही एक्सप्लेन किया था कि अगर फर्म किसी पार्टनर से लोन लेता है तो उसके अगेंस्ट में उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा. वैसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वैसे खर्चे को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन. और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये आपको पेमेंट करना ही करना पड़ेगा. देखिए अब ये क्या होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका ट्रीटमेंट कैसा होता है. इट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वेयर एज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मतलब होता है प्रॉफिट का बंटवारा करना. आपको एक प्रॉफिट दे दिया जाता है, उस पर आपको बंटवारा करना है कि उसका सारे पार्टनर्स के बीच में जो भी लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स होता है, ये सबका आपको प्रॉपरली बंटवारा करना, उसको बोलते हैं अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. इसको दूसरे टर्म्स में बोल सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, इट इज़ डेबिटेड टू अप्रोप्रिएशन PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. जैसे आपको मैं इधर मैंने बनाया हुआ है, आपको दिखाती हूँ. याद आया कुछ, ये आप लोग 11th क्लास में पढ़े हुए थे. इधर जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं इसी इधर ही लिखा जाता है क्या, आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को भी इधर ही लिखते हैं. जैसे आप लोग डेप्रिसिएशन लिखते थे, और जो भी दिस इज PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ठीक है, तो जो भी PNL अप्रोप्रिएशन का खर्चा होगा वो आप इधर लिखेंगे. सो यू कैन रीड इट. It is debited to profit and loss account and it is debited to PNL appropriation account. It is done before appropriation of profit. मतलब हम लोग यहाँ पे appropriation of profit करते हैं. ठीक है, तो वो सारे खर्चे को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं जब वो चार्ज होता है, और चार्ज नहीं होता है appropriation होता है तो उसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं. आप लोग को अभी थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब ये समझ में आएगा. अभी देखिए आप लोग कुछ नया चीज़ सीखिए. एक फर्म है और उसके तीन पार्टनर्स हैं. ठीक है, तो आपको जो भी अकाउंटिंग एंट्री करनी है, जो भी आपको अकाउंटिंग करना है, सब आपको फर्म के नज़रिए से करना पड़ेगा. आपको ये ध्यान में रख के करना पड़ेगा कि आपको फर्म का नुकसान हो रहा था आपको डेबिट करना पड़ेगा, अगर फर्म का फ़ायदा हो रहा था आपको क्रेडिट करना पड़ेगा. मतलब आपको आपकी सारी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो फर्म के नज़रिए से होगी, ना कि पार्टनर्स के नज़रिए से होगी. आपको पार्टनर का नुकसान या फिर फ़ायदा से कोई लेना देना नहीं है, आपको फर्म के नुकसान या फ़ायदे से लेना देना है. तो आपको सारी अकाउंटिंग एंट्री फर्म के नज़रिए से करनी है. जैसे मैं कुछ कुछ समझाती हूँ. सपोज़ ये एक फर्म है, ठीक है, इसमें तीन पार्टनर्स है. ये तीनों पार्टनर ने मिलकर क्या किया, नहीं सपोज हाँ तीनों पार्टनर ने मिलकर क्या किया, फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया. ठीक है, दे इन्वेस्टेड कैपिटल इन अ फर्म. तो इन रिटर्न में ये पार्टनर्स बोलेंगे कि फर्म हमने तुमको कैपिटल दिया, तुम हमें क्या दोगी. तो फर्म क्या बोलेगी, मैं आपको इसके बदले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा. ओके, ये पार्टनर कहता है कि फर्म मैं तीनों पार्टनर में सबसे ज़्यादा काम करता हूँ, आप इसके बदले मुझे क्या दोगे. तो फर्म क्या बोलती है कि मैं आपको इसके बदले क्या दूंगा, सैलरी दूंगा. मतलब वो प्रॉफिट तो दे ही रहा है, अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट ही इज़ आल्सो गिविंग अ सैलरी. ये पार्टनर बोलता है कि फर्म मैंने आपका
सेल्स दुगना कर दिया या फिर सेल्स इंक्रीज कर दिया, आप इसके बदले में मुझे क्या दोगे? फर्म क्या बोलती है, मैं आपको इसके बदले में कमीशन दूंगा। ओके, आफ्टर दिस ये पार्टनर क्या कर सकते हैं, फर्म से पैसा विथड्रॉ कर सकते हैं। ये तो आपको पता है, इसको बोलते हैं ड्रॉइंग्स। ठीक है, अभी फॉर्म पूछता है कि मैंने आपको ड्राइंग्स दिया है, आप इसके बदले में क्या दोगे? तो ये क्या बोलेगा, मैं आपको इसके बदले में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दूंगा। ठीक है, तो आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन में यही सारे आइटम्स जो है उनको अप्रोप्रिएट करना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है। गिवन प्रॉफिट, जो भी आपको प्रॉफिट गिवन होगा आउट ऑफ दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इन दिस आइटम्स, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, अभी देखिए हम लोग वापस कहाँ पे आ गए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए। ये हम लोग कहाँ सीखे थे, 11th क्लास के एंड पे सीखे थे। आई थिंक यू हैव टू रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर, एंड यू डोंट रिमेंबर यू कैन ओपन एंड टर्न यू द पेजेस ऑफ योर बुक। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हम लोग स्टार्ट कैसे करते थे, बाय जीपी, स्टैंड फॉर ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आता था, फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के रिजल्ट से क्या लेकर के आते थे, ग्रॉस प्रॉफिट लेकर के आते थे। यहाँ पे सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते थे और कुछ कुछ आइटम्स जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज डेप्रिशिएशन एंड ऑल, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारा कहाँ हम लोग लिखते थे, यहीं पे लिखते थे। ओके, ये सब किए फिर हमारा एंड रिजल्ट, या फिर आप बोल सकते हो बैलेंसिंग फिगर, और एंड रिजल्ट क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ओके, फिर हम लोग यही नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर कर लिए, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। हमारा 12th क्लास का जो अकाउंट है, इससे 12th क्लास में इस अकाउंट से कुछ भी लेना देना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कुछ भी लेना देना नहीं है। बस मैं आपको कंसेप्ट के लिए बता रही थी, आप लोग अचानक सोचोगे यहाँ पीएनएल कहाँ से आ गया, नेट प्रॉफिट कहाँ से आ गया। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप लोग बनाओगे तो स्टार्टिंग में आपको स्टार्ट करोगे किससे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो आप लोग सोचोगे कि ये कहाँ से ये अमाउंट यहाँ पे आधम का, तो मैं आपको उसके लिए एक्सप्लेन कर रही थी कहाँ से आता है, जो आप लोग 11th क्लास में जहाँ से एंड किए थे वहां से आता है। ये देखिए यहाँ से आ रहा है। ओके, तो हमारा 12th क्लास की अकाउंटिंग एंट्री स्टार्ट होती है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से। ओके, तो यहाँ पे क्या है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, आई थिंक नॉमिनल अकाउंट भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपको याद करना होगा नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट के रूल्स क्या हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में एक नॉमिनल अकाउंट भी था। ओके, सब 11th क्लास का ही वो है, टॉपिक्स है। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसका रूल्स क्या क्या है, देखिए मैंने आपको रूल्स भी लिख दिया है यहाँ पे। एक्सपेंस एंड लॉसेस को यहाँ पे डेबिट करते हैं और गेंस एंड इनकम्स को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। यही हमारा पीएनएल अकाउंट का रूल्स है। ओके, ये रूल्स आपको बहुत ही ईजिली याद होना चाहिए, याद नहीं करोगे तो फिर रटना पड़ेगा और याद करना एक ही टर्म होता है, बट आपको थोड़ा सा कंसर्न कर रखना पड़ेगा कि इसको क्या बोलते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, अब अगर जो फॉर्म का जो भी एक्सपेंसेस होता है वो हम लोग इस तरफ लिख देंगे, अब फॉर्म्स को जैसे भी जो भी इनकम्स होता है, गेंस होता है, वो हम लोग इस तरफ लिख देंगे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को तो मैंने पीछे दिखाया कि ये फॉर्म को क्या मिला है, फॉर्म ने इन लोगों से क्या लिया हुआ है, कैपिटल लिया हुआ है। ठीक है, और इन रिटर्न इन लोगों को क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। ओके, तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है इनको, वो एक तरह से क्या है, वो फॉर्म के लिए खर्चा है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई एम राइटिंग शॉर्टकट, आई होप यू विल मैनेज।
एंड सैलरी जो दे रहा है फर्म, कोई एक पार्टनर क्या बोलता है, मैं आप बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ फर्म आपके लिए, आप मुझे इन रिटर्न क्या दोगे अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, तो फर्म क्या बोलता है कि मैं आपको सैलरी दूंगा। तो क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, वो भी खर्च है फर्म के लिए, इसीलिए हम लोग इस तरफ लिख रहे हैं, जो भी खर्च है फर्म के लिए, क्योंकि हम लोग किस बेसिस में अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, मेंटली हम लोग फर्म को ध्यान में रख करके अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, फर्म का जो भी खर्चा है वो हम लोग खर्चे के साइड लिख देते हैं, फर्म का जो भी इनकम हम लोग क्रेडिट के साइड लिख देते हैं, क्रेडिट के साइड लिख देते हैं, और जो भी खर्च है वो हम लोग डेबिट के साइड लिखते हैं, जो भी इनकम है हम लोग क्रेडिट के साइड लिखते हैं, ओके। फिर फर्म कमीशन देती है किसी किसी को, ठीक है, आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड द शॉर्टकट बट आई एम राइटिंग दिस। ये देखिए तीन खर्चे मैंने लिख दिए, और कभी कभी फर्म क्या करती है ना, अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है तो अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा रिजर्व बनाने के लिए ट्रांसफ़र कर देती है, तो यहाँ पे है टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ये भी खर्चा ही माना जाता है फर्म के लिए, ओके। अब फर्म को फायदा कहाँ से होता है, जो फर्म ड्राइंग्स देती है पार्टनर्स को, फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगी उन लोगों से, पार्टनर से लेगी, तो फर्म के लिए क्या है, फायदा है। ओके, अब इसका जो जिस तरफ भी ज्यादा होता है उसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं, यू नो ऑल दिस थिंग्स, जिस तरफ भी ज्यादा होता है दोनों अकाउंट के, जिस तरफ भी ज्यादा होता है उसको हम लोग इधर लिख देते हैं, ठीक है। अगर सपोज इस तरफ ज्यादा है तो हमें इस तरफ बैलेंस करना पड़ेगा, इस तरह बैलेंस करना होगा, तो उसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ओके। और इस तरफ ज़्यादा है तो आप लोग क्या लिखोगे, आई थिंक अगर क्लास में होते सब लोग बोलते लॉस, बट यहाँ पे क्या है, एक टर्म कंडीशन है, कंडीशन इज दिस दैट यू विल नेवर राइट लॉस एट दिस साइड, नेवर मीन्स नेवर। तो यहाँ पे करना क्या है आप लोग पूछोगे, मैम यहाँ पे फिर करना क्या है, ओके करना क्या है हम लोग आगे सीखेंगे, अभी जितना सीखा है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए, क्योंकि पूरा का पूरा कंसेप्ट इसी पे बेस्ड है। देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और जितने भी आइटम्स दिखाए जा रहे हैं, कितने आइटम्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आइटम्स मेनली हैं, ठीक है, इधर तो जो भी है बैलेंसिंग फिगर है बट मेनली 6 आइटम्स है। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नया नहीं मिलता है आपको, बट द थिंग इज दिस कि आपको इंडिविजुअली फाइंड करना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकलता है, सैलरी कैसे निकलता है, कमीशन कैसे निकाला जाता है, सारा कुछ आपको फाइंड करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलता है। तो इसके बाद हम लोग जो भी वीडियो बनाएंगे वो सब इसको बनाएंगे कि इंडिविजुअली हर एक आइटम को आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हो, ओके। तो सो कीप स्टडिंग।